बप्पी लहरी आखिर क्यों सोना पहनते थे? लहरी चाय पीने के लिए खरीदे था सोने का टी शर्ट। जी हाँ, बता दें कि दोस्तों बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर और म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी को 69 साल की उम्र में निधन हो गया। बप्पी लहरी ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। इस अस्पताल में बप्पी लहरी को मंगलवार 15 फरवरी शाम को लाया गया था। तब बप्पी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। बता दें बप्पी लहरी ने बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ी पारी खेली। उन्होंने अपने करियर में 500 से ज्यादा गानों को कंपोज किया है। वही बात की जाए तो बता दें कि बप्पी लहरी ने एक इंटरव्यू में अपने इस राज से पर्दा उठाया था। उन्होंने बताया था कि एक हॉलीवुड आर्टिस्ट की वजह से उन्होंने सोना पहनना शुरू किया था। बप्पी लहरी ने कहा, मैं हॉलीवुड सिंगर एलविस प्रेस्ली को काफी पसंद करता था। मैंने देखा था कि वे हमेशा एक सोने की चैन गले में पहना करते थे। मुझे उनका वो अंदाज काफी पसंद आया था। बता दें एलविस प्रेस्ली को ही देखकर बप्पी लहरी ने निर्णय किया था कि वे और ज्यादा सफल बनकर रहेंगे, और साथ ही बप्पी लहरी सोने को अपने लिए लकी भी मानते थे। उनका उतना सोना पहनना चाहते थे जितना वह इंडस्ट्री में सफल हो पाएंगे। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि बप्पी लहरी को कितना सोना पहनकर चलते थे, तो इसका जवाब भी उन्होंने दिया। 2014 में लहरी ने चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्होंने इस बात की जानकारी खुद ही दी थी। जानकारी के मुताबिक बप्पी दा के पास 754 ग्राम सोना है और 4.62 ग्राम चांदी है। दोस्तों बता दें, इस दुखद निधन को लेकर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट में बताएं। फ्यूचर तक पर पहली बार आए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।